दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि तुम अपना स्ट्रगल स्टोरी बताओ कि कैसे तुमने यूट्यूब की शुरुआत की थी, कितने दिनों में तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हुआ और कितने दिनों में पैसा आने लगा। ठीक है, साथ ही उससे पहले भी लाइफ में मेरे बहुत कुछ हो चुका है, मैं मतलब किन किन हालातों से गुजर चुका हूँ, अभी किसी को मैंने नहीं बताया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो ना तो पक्का मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, और आप भी आज से ही आप दोस्तों YouTube पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर जो भी आप काम करते हो उसमें आप फोकस करने लगोगे। ठीक है, क्योंकि फोकस जो होता है ना एक बहुत ही बड़ा पावर होता है, और उससे दोस्तों आपको सफलता मिलती है लाइफ में। ठीक है, और ये भी बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि तुम्हारा नाम क्या है, बहुत सारे लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ ये भी नहीं पता है, मैं किस गाँव से रहता हूँ, किस गाँव से बिलोंग करता हूँ, इन सभी के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम है विकास। ठीक है, और मैं बिलोंग करता हूं वैशाली बिहार से। ठीक है, मतलब वैशाली ज़िला के वैशाली गांव से ही बिलोंग करता हूं। और अगर बात करें मेरी पढ़ाई की, तो मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। ठीक है, सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और जब मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी उस समय दोस्तों मैं क्लास टेंथ में था, उस समय मैंने शुरुआत किया था, बट 11th में गया। ठीक है, 11th में उस समय मैं थोड़ा चैनल पे अच्छे से एक्टिव रहने लगा, ध्यान देने लगा, और तभी मेरा चैनल 3 महीने में ग्रो हो गया और 3 महीने के अंदर ही मोनेटाइज हो गया, और यहाँ से मुझे दोस्तों पैसे मिलने लगे। ठीक है, जब मैं पहले वीडियो बनाया करता था तो मम्मी ये सब बहुत बोलती थी कि मत करो ये सब, पढ़ाई करो। ठीक है, पर मैं करता गया। वैसे एक दो बार मम्मी ने मोबाइल भी छीना था, तो मैं अपने दोस्तों के मोबाइल में लॉगिन कर लिया था चैनल, और उससे मैंने 10-15 वीडियो बनाए थे किसी और के फ़ोन से, और उससे भी अपलोड किया था। फिर ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे कुछ आए और मैं वीडियोस बनाता गया। 3 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और उसके बाद जब पैसा आया था तो मम्मी को बताया था, मम्मी के अकाउंट में ही आया था, तो मम्मी खुश हो गई और बोली कि सच में मेरा बेटा कुछ कर रहा था। तो ये तो हो गया दोस्तों इधर 3-4 साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 4 साल का। ठीक है, पर उससे पहले मैं क्या करता था ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, 10th का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैं फ्री रहता था, और सभी लोग फ्री रहते हैं तो कुछ ना कुछ करते ही हैं, और मेरे पास था मोबाइल, तो मैंने सोचा चलो मोबाइल चलाते चलाते उग गया था, तो सोचा चलो कुछ करते हैं, और कुछ कर भी लिया। पर उससे पहले की बात करूं तो मैंने पहले, जैसे मेरा जो गांव है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, सोमवारी में, तो उस समय जब मेला लगता था तो मैं दुकान भी लगाया करता था। ठीक है, उससे भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती थी। फिर जो मैं दुकान करता था जैसे बिस्किट वगैरह का, तो उससे उतना अर्निंग नहीं हो पाता था। तो फिर दूसरे साल मैं गुब्बारा भी बेचा था। ठीक है, मेले में उससे अच्छा खासा अर्निंग हुआ था, तो फिर मैं सोचा कि चलो यही सही है, गुब्बारा बेचना ही सही है, मतलब इससे तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है। तो फिर मैं 1-2 साल गुब्बारा भी बेचा मेले में। ठीक है, उसके बाद एक बार चाय का स्टॉल लगाया था मेले में ही, तो उस चाय के स्टॉल में गुब्बारा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो मैं सोचा चलो अब चाय का स्टॉल लगाएंगे, तो मतलब मैं चाय भी बेचा हुआ हूँ, मतलब आप समझ सकते हो सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। तो गाइज़ आप समझ सकते हो मैंने दुकान भी लगाया, ठीक है, उससे भी पैसे कमाए, उसके बाद गुब्बारा भी बेचा, चाय का भी स्टॉल लगाया, चाय बेचा, उससे भी पैसे कमाए, मतलब कुछ ना कुछ मन में ऐसा था कि हाँ थोड़े बहुत कहीं से ना कहीं से पैसे आ जाएं। और अगर इन सभी जब ये सब मैं दुकान वगैरह लगाता था उस समय, मैं अपनी एज की बात करूँ तो शायद 14 साल का होऊंगा। ठीक है, 13-14 साल का उस समय मैं स्टॉल वगैरह लगाया करता था, बट अभी 10th के बाद मैंने ये सब नहीं किया, उसके बाद तो YouTube पे ही ध्यान दे दिया। ठीक है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसी भी एक परिस्थिति आई थी जिस समय, मतलब क्या बोलते हैं, हमारे घर में मतलब कुछ ख़रीदने के लिए पैसा नहीं था, तो उस समय मैं किसी के साथ काम किया था, तो मेरे को 5 रुपये दिए थे, तो उससे मैंने आलू ख़रीदा था, और उससे मतलब हमारा 2-3 दिन तक घर का खाना चला था। मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर चुका हूँ, और आज तो चलो आज थोड़ा बहुत आप सभी के सपोर्ट से अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, लाइफ ठीक ठाक चल रही है। तो गाइज अभी आप सोचोगे कि 5 रुपये में 2-3 दिन तक कैसे खाया था, तो मैं आपको बताता हूँ। उस समय आलू जो था ना 5 रुपये किलो था। ठीक है, तो 1 किलो आलू आया था और बाकी घर में आटा था, तो वही आलू का चोखा बनता था। ठीक है, और रोटी यही हम लोग खाते थे, मतलब 2-3 दिन, उसके बाद फिर पापा पैसे भेजे तो
मतलब सामान वगैरह खरीदाया, और हमारा जो लाइफ है ना मतलब बहुत ही स्ट्रगलफुल था, ठीक है। अपने लोग ज़मीन देने के लिए दोस्तों हम लोगों से पैसा लिए हैं, ये सब बात क्या ही आप लोगों से शेयर किया जाए। गाइस बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से हम लोग गुजर चुके हैं, और बाकी चलो छोड़ो, लाइफ में जो हुआ वो हुआ, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, ठीक है, और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। बाकी यही वीडियो था, और अभी हम जिस लोकेशन पे हैं ये है वैशाली का राजा विशालगढ़, ठीक है। तो गाइस अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको देख के कुछ लोग जल रहे हैं, ठीक है, और वो जो लोग होते हैं वो ज़्यादा दूर के नहीं, आप ही के आस पड़ोस के होंगे, आप ही के गांव के लोग होंगे जो कि दोस्तों आपको देख के जल रहे होंगे, तो उनका काम है जलना, उनको जलने दो। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो जल रहा है या फिर क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मैं लोगों का क्या है, उनका काम है जलना, उनको और जलाते रहो, मेरे साथ भी यही होता है, मैं भी जलाते रहता हूँ, ठीक है, किसी के बात पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ये वही लोग होते हैं जो एक गांव में अगर दो लोगों की शादी होती है और दोनों साइड से निमंत्रण होता है, तो ये वही लोग होते हैं, उसी के शादी में जाएंगे जिसके शादी में अच्छा खासा वो भोज बना होगा, ठीक है, दावत बना होगा, तो ये वही लोग होते हैं, तो इनका बात पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस आपको लाइफ में क्या करना है वो आप करो और आगे बढ़ो, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो चलो छोड़ो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, मैं बस अपने काम पे फोकस करूँगा। एक मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप कुछ करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो या फिर जो भी कुछ भी करना चाहते हो, तो आप अपने गांव में मत करना, कुछ भी करना है अलग। जैसे मनोज भैया का आपने देखा था, वो गांव से उठ के अभी बाहर चले गए हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो गाँव से हट के अभी टाउन में जाके अपना घर बना लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो तो आप जाके टाउन में ही घर बनाना। मैंने तो गांव में घर बना के थोड़ा बहुत गलती कर दिया, चलो छोड़ो, जाने दो, बाकी देखेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो और भी आगे कुछ बहुत कुछ होगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा ब्लॉग देखना आपको पसंद है, मतलब अच्छा लगता होगा, तो यहाँ पे आपको ब्लॉग चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो विकास प्रजापति ब्लॉग्स, और उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालते रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर और भी आप कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।